आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री श्री विनय रुहेला मंगलवार को देहरादून से जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि वहीं विनय रुहेला ने भाजपा कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना और क्षेत्र की जन समस्याओं से रूबरू हुए। आपको बता दें कि इस दौरे में विनय रुहेला ने जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए। वहीं 2 जुलाई से 5 जुलाई तक कुमाऊं दौरे के दौरान विनय रुहेला विभिन्न आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज हमारे जसपुर में माननीय रुहेला जी, जो माननीय उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन समिति उत्तराखंड सरकार हैं, तो आज आप यहाँ जनता की समस्या सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे अपने आवास पर। तो हमने भी अपने शिक्षकों की समस्या लेकर माननीय मंत्री जी के सामने पहुँचे हम, और अपने समस्या हमने उन्हें अवगत कराया है और लिखित में भी दिया है। तो एक तो हमारे जनपद उधमसिंह नगर में प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक के पद हैं वो दिख पड़े हैं सैकड़ों की संख्या में। कुछ जूनियर स्कूल हैं, प्राथमिक आज के उच्च प्राथमिक विद्यालय, उन्हें प्रधानाध्यापक और सहायक पद अध्यापक के पद दिखते हैं, तो वहाँ काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है। और हमारे अध्यापक, बहुत से अध्यापक तो रिटायर करते हुए रिटायर तक भी हो गए, लेकिन पदोन्नति नहीं मिल पाई है। तो हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष अपना मुद्दा उठाया है, ज्वलंत मुद्दा है कि वो यथाशीघ्र जो यहाँ पर पदोन्नति के पद सर्जित पद हैं उनमें कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे। तो उनकी ओर से सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। और डीएम साहब के लिए, वो आज डीएम साहब के यहाँ जाने का है उनका, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो डीएम साहब के समक्ष ये समस्या रखेंगे। पुराने समय से सड़कों की और सामान्यतः जल भराव की, और जल भराव के बाद जो है जो सड़कें बन नहीं पा रही, उन सड़कों पर आवागमन की बहुत बुरी भयंकर स्थिति रहती है। और चूंकि साफ व्यवस्था सफाई का कार्यक्रम इतनी सुचिपूर्ण रूप से नहीं होता है कि जो कबाड़ है पूरे शहर के मध्य में पड़ता है, उससे भी थोड़ा सा लोगों को परेशानी है। अन्य परेशानियों में इस प्रकार से है कि जो तालाब थे उन तालाबों का सरलीकरण नहीं हो पाया, उनमें पानी का संचय पल्लीकरण जो था उसका इकोसिस्टम जसपुर का बंद हो गया, बहुत सारे तालाब यहाँ बंद हुए हैं। तो इस प्रकार से जसपुर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लोग मिलते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मिले और मैंने जो है थोड़ा प्रयास किया है कि समस्याओं का निदान हो। विद्यालयों में स्थिति खराब है, वो अगर आपदा के अंतर्गत आज वहाँ बैठक हो रही है जिला आपदा प्राधिकरण की, जिसमें सभी अधिकारी रहेंगे, वहाँ पे उन विषयों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद उसका कुछ निदान कराने।